9 में क्वेश्चन पूछा गया था, टू प्रोजेक्टाइल ऑफ द सेम मास, दो बॉडी को सेम मास के बॉडी हैं उनको प्रोजेक्टाइल किया गया, उनके काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आया K1/K2। जो रेशियो आता है 4:1 आता है, ठीक है। इसका मतलब हाफ एम यू वन स्क्वायर डिवाइड बाई हाफ एम यू टू स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से देखो जो कैंसिल आउट हो कट कट गया, बचा हमारे पास क्या यू वन बाई यू टू का होल स्क्वायर इजकल टू 4/1, या फिर यू वन बाई यू टू इजकल टू 2/1। जैसे हमें, क्योंकि हमें ये यू वन बाई यू टू का होल स्क्वायर हर जगह दिखेगा, इसलिए मैं इसको अंडर रूट नहीं ले रहा हूँ। आगे देखते हैं, आगे जो बोला उसने, उसके हाइट का मैक्सिमम हाइट का रेशियो 4:1 है। तो एच की जो फॉर्मूला होता है, एच इजकल टू क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ओके ओके। तो एच वन बाई एच टू कितना होगा, एच वन बाई एच टू इजकल टू यू वन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वन अपॉन यू टू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टू। जी तो कॉन्स्टेंट है, टू जी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा यू वन बाई यू टू का रेशियो कितना है, स्क्वायर 4/1, और एच वन बाई एच टू का रेशियो दे रखा है 4/1। ये 4/1 इजकल टू 4/1 साइन स्क्वायर थीटा वन बाई साइन स्क्वायर थीटा टू, ओके। ये कैंसिल आउट, इसका मतलब साइन थीटा वन इजकल टू साइन थीटा टू। इट मीन्स इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, साइन थीटा वन और साइन थीटा टू दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या, थीटा वन इजकल टू थीटा टू, ये भी रिलेशन मैं बोल सकता हूँ। अब ये यूज करेंगे आगे, जो रेंज अपने को पूछा है, रेंज में रिलेशन क्या होगा, R1/R2 का रेशियो क्या होगा। तो हमें पता है रेंज इजकल टू होता है, क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन जी। अब इसमें R1/R2 लिख देंगे, तो हमारे पास जो R1/R2 की जो वैल्यू आएगी, लिखते हैं U1 स्क्वायर डिवाइड बाई U2 स्क्वायर, ओके। और इसको साइन 2 थीटा को, उसको साइन स्क्वायर साइन 2 थीटा होता है, तो साइन क्या होता है, 2 sin a cos a, 2 sin theta 1 cos theta 1, ठीक है, cos theta 1 डिवाइड बाई 2 sin theta 2 cos theta 2। अब देखिए साइन थीटा 1/sin θ दोनों बराबर है, तो 1 हो जाएंगे, 2 2 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और U1/U2 4:1, तो R1/R2 इजकल टू 4:1 cos थीटा 1 डिवाइड बाई cos थीटा 2, ओके। ये रिलेशन निकल के आया, बट हमें पता है थीटा 1 और थीटा 2 दोनों बराबर है, इसलिए cos थीटा 1 और cos थीटा 2 भी आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे भाई, क्योंकि क्योंकि थीटा 1 बराबर थीटा 2, ऊपर देखा हमने। तो अगर बराबर होंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा R1/R2 का रेशियो हो जाएगा 4:1 के बराबर आएगा। तो आपका आंसर जो है, ऑप्शन देख लीजिए, 4:1 के बराबर आएगा, मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट, ओके। थैंक यू।